हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी सरकार ने हाल ही में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। अब बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड से सड़क मार्ग से पुरुलिया जाकर जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी सरकार पर बर्बर होने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती के हैं, इसलिए बंगाल की धरती तो बीजेपी की धरती होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा नहीं है। ममता के गढ़ में योगी ने भरी हुंकार, सीएम ममता बनर्जी पर की आरोपों की बौछार। ममता सरकार को बताया बर्बर, अलोकतांत्रिक और भ्रष्ट। चिटफंड घोटाले के आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। योगी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से की अपील, ये धरती वास्तव में बीजेपी की धरती होनी चाहिए। जनसंघ के संस्थापक बंगाल की धरती की ही थे देन। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच छिड़े सियासी संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से पुरुलिया पहुंचे और जनसभा को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मेरे हेलीकॉप्टर को यहाँ उतरने नहीं दिया, लेकिन मैं सड़क के रास्ते आप सबके बीच आया हूँ और मैं बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूँ, जिस धरती ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को संभल दिया था। आप सब जानते हैं ये बंगाल की ही धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आध्यात्मिक साधना के बल पर लोगों को एक नया संबल दिया था और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये भाव पैदा करने वाली धरती बंगाल की धरती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की धरती हिंदुओं में गर्व का भाव पैदा करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, बंगाल की धरती तो वास्तव में बीजेपी की धरती होनी चाहिए, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। बंगाल की धरती तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की धरती होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। योगी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चिटफंड घोटाले के आरोपियों को बचा रही है। उन्होंने सवाल किया कि उस भ्रष्ट अधिकारी के घर ममता बनर्जी क्यों बैठी हुई थी। यहाँ की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें और यहाँ में शिलोंग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोले कि शारदा चिटफंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी पर आरोपों की बौछार करते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आपने बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अलोकतांत्रिक, एक भ्रष्ट टीएमसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक,
एक लोकतांत्रिक, एक संवैधानिक, एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। योगी ने कहा कि जिस दिन यहां बीजेपी की सरकार बन गई, उस दिन टीएमसी के गुंडे ठीक वैसे ही गले में तख्ती लगाकर चलेंगे जैसे यूपी में सपा बसपा के गुंडे गले में तख्ती लगाकर जान की भीख मांगते हुए कहते हैं अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही चलेंगे जैसे जनता पार्टी सरकार का कार्य है कि गुंडे आज अपनी जान की भीख मांग रहे किसी पर छेड़ने की बजाय, किसी पर किसी को छेड़ने की बजाय और कहीं दंगा करने की बजाय आज सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर झारखंड के बोकारो में लैंड हुआ। इसके बाद वो सड़क के रास्ते से पुरोलिया में जनसभा वाले स्थल तक पहुंचे। बता दें कि 3 फरवरी को होने वाली योगी आदित्यनाथ की बालूरघाट रायगंज रैली के लिए भी ममता सरकार ने हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने फोन के जरिए ही रैली को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।